खबर यह है कि किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट की बैठक में पहुंचने का मतलब यह है कि पहली बात तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, जिसे सारी दुनिया जानती है। दूसरी बात ये कि आज की कैबिनेट की बैठक में वो पहुंचे हैं, उन स्थितियों में पहुंचे हैं जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का राजस्थान दौरा भी है, और वो अभी दो दिन पहले भी यहीं थे, अभी सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर से देर रात किरोड़ीलाल मीणा जयपुर आए थे और आने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या वो खामोश रहेंगे या फिर उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों के आधार पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। कुछ उनकी नाराजगी की खबरें भी आती रही है उन नाराजगी को लेकर, क्योंकि जो चीजें थी वो महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी कि अगर दौसा सीट हार जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखे हैं, और उन पत्रों के माध्यम से साफ तौर पर दृष्टिगोचर होता है कि उनकी कुछ मुद्दों के आधार पर नाराजगी है। तो उन मुद्दों को क्या आज की कैबिनेट की बैठक में उठाएंगे या फिर कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इंडिविजुअल करेंगे या मुख्यमंत्री के कहने पर ब्रीफिंग करेंगे कि आज आपको प्रेस को ब्रीफ करना है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का आज की बैठक में जाना, यानी कि सियासी तौर पर भी कई चीजें यहाँ पर देखनी पड़ सकती है, क्योंकि भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किरोड़ीलाल दोनों के अगर संबंधों की बात करें तो दोनों के फ्रूटफुल संबंध है। अभी तक कोई ऐसा बयान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिया है, क्योंकि वो भी भजनलाल कैबिनेट के एक मंत्री भी है, और किरोड़ीलाल मीणा सार्वजनिक तौर पर नहीं बोले। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जैसे पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े मुद्दे या फिर पेपर से जुड़े मुद्दे, पेपर लीक से जुड़े मुद्दे, इन मुद्दों के आधार पर वो बात करते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है। हालांकि तमाम मंत्री इस बैठक में आ चुके हैं, किसी कारणवश राज्यवर्धन सिंह राठौर अभी नहीं आए, हो सकता है कि थोड़ी देर में वो आ भी जाए। बाकी तमाम मंत्री लगभग पहुंच चुके हैं। विशेष कारणों से कुछ मंत्री नहीं आते तो वो कैबिनेट की बैठक में नहीं आने का कारण बता देते हैं, मुख्यमंत्री को फोन पर सूचना दे देते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आज की इस कैबिनेट की बैठक पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आज की इस कैबिनेट की बैठक में किरोड़ीलाल मीणा गए हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, किन चीजों को लेकर वो यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, एक चीज वो अच्छे से जानते हैं कि आज की ही तारीख में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज वो बैठक में गए हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा जिस अंदाज में इन दिनों सियासत करते हैं, बयान जारी करते हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज का क्या कारण है, तो वो भी अपना बयान देने से नहीं चूकेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किरोड़ीलाल मीणा के आज की कैबिनेट में की बैठक में पहुंचने के मुद्दे को लेकर चर्चा अवश्य करेंगे। हो सकता है कोई बयान जारी करें, लेकिन राजस्थान की सियासत में, सरकार से जुड़ी सियासत में इस वक्त की यह बड़ी खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, बहुत जानकारी आपने।